हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वो 365 ट्रैवल। तो इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि मनाली में अगर आपको गर्मी में जाने का दिल करता है मई जून में, तो आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्या प्लान कर सकते हैं। तो मैंने अगर 4 डेज़ का प्लान किया था तो मैंने डिवाइड किया था, 2 डेज़ में कहीं और रहूँगी, 2 डेज़ में ट्रैवलिंग पे लगा दूंगी। लेकिन वो 2 डेज़ मुझे मनाली में नहीं रुकना था, क्योंकि मनाली इस वक्त काफ़ी क्राउडेड रहता है, बहुत लोग आते हैं, बहुत एक्टिविटी रहती है, तो होटल्स रूम जल्दी ईजिली मिलते नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि हमता पास पर रहा जाए। तो हमता पास पर रहने का जो मेरा डिसीजन था काफ़ी बेस्ट था, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी ग्लंपिंग क्लब इंडिया, और हमता पास बहुत ही अच्छी जगह है। तो वहाँ पर जब आप रुकते हैं तो आपको पूरा 1 से 2 दिन मिल जाएगा, आप हमता वैली पूरे तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे जा सकते हैं ओल्ड मनाली में, जहाँ पे आपको मॉल रोड पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, देन आप रोहतांग साइड भी जा सकते हैं, सोलांग वैली भी घूम सकते हैं, अटल टनल भी घूम सकते हैं, सिसू भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत कम दिन बच रहा है तो आप उसे अच्छे से प्लान कीजिए, क्योंकि मनाली में रहना है तो वहाँ घूमने जाना है तो आपको हर सीज़न में वहाँ पे क्राउड दिखता है। लेकिन आपको क्राउड से बच के कौन कौन सी जगह जाना है वो आपको अच्छे से डिसाइड करके पहले ही निकलना है, क्योंकि आप आखिरकार इतना पैसा लगा कर जाते हैं तो क्यों ना अच्छी जगह में और शांत जगह में, पीसफुल जगह में जाकर मनाली एंजॉय करें। आज मेरा मनाली में सेकेंड डे, और आज मैं यहाँ से कर रही हूँ चेकआउट। तो डिसाइडेड ये है कि पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर उसके बाद चेकआउट करके मैं जाऊँगी थोड़ा और आगे, लाइक रोहतांग साइड तो नहीं जा सकती, लेकिन उससे पहले अटल टनल के थोड़े पहले तक जाऊंगी, सोलांग वैली तक। तो उससे पहले जाने से पहले मैंने सोचा कि एक बार इस प्रॉपर्टी के साथ एक बार लास्ट वीडियो शेयर करूं कि ब्रेकफास्ट कर रही हूं, और जो आज का मौसम है काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज बिल्कुल भी सनी नहीं है तो थोड़ा सा डल डल लग रहा है आज का डे, बट इट्स ओके, करते हैं हम ब्रेकफास्ट और आज का दिन करेंगे स्टार्ट इस वंडरफुल ब्रेकफास्ट के साथ। देखते हैं क्या दिया है आज होटल वालों ने। रवा इडली, वैसे यहाँ का खाना अच्छा है, ऐसा है कि आपका जो खाने का जो क्वांटिटी रहता है लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, तो 1-2 लोगों के लिए ये बहुत ही इनफ रहता है। तो मसाला ऑमलेट है, इडली है, ब्रेड है, चाय है, और आई थिंक ये है इडली सांभर। सांभर करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद आप लोगों को लेके चलती हूँ सोलांग वैली, देखते हैं वहाँ पे क्या है इस मे के सीज़न में। सो हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी आ गया है टाइम चेकआउट करने का, इस लवली प्रॉपर्टी से, इस अमेजिंग व्यू से अलविदा कहने का। दिल तो नहीं कर रहा है कि जाऊँ और रुकूँ, ऐसा कर रहा है, बट अभी कैसा है ना कि यहाँ पे हमता पे अगर आप रहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप हमता ट्रैक करें या तो आप सिधान वैली जाए। तो वो दोनों तो मैंने कल कवर कर लिया, लेकिन अभी मुझे जाना है नीचे, तो मैं जा रही हूँ सोलांग वैली के साइड। और आज का स्टे कहाँ करना है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि पहले हम सोलांग वैली कवर करेंगे और इवनिंग में डिसाइड करेंगे, अगर कहीं होटल मिला नहीं मिला तो वी थॉट के चलो चंडीगढ़ ही निकल लेंगे, ऐसा कुछ है। मतलब अनप्लान्ड है ये सब सारा आज का डे। और एक चीज़ का अफसोस हुआ कि पीछे का जो ये जकूजी है ये मैं इन्जॉय नहीं कर पाई, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला, और ये शायद मुझे फर्स्ट डे ही इवनिंग में कर लेना था, लेकिन कल तो पूरा दिन मैं बिज़ी थी और आज मॉर्निंग में चेकआउट कर रहे हैं। और आज का वेदर इतना मतलब ऐसा क्लाउडी है कि अगर मैं यहाँ पे जकूजी बात लेती तो ऑब्वियसली फ्रोज हो जाती थी, बहुत ठंडी थी, तो वो नहीं लिया। तो ये एक चीज़ मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि मेरा ये वाला पार्ट छूट गया यार, लिटरली मैं बहुत ही एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए, जकूजी में यू नो हॉट बाथ लूँगी एंड ऑल, बट एनी वेज कुछ चीज़ें पकड़ लेते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाते हैं, कहते हैं ना, तो सब चीज़ें एक साथ में आप इन्जॉय नहीं कर पाते, कुछ ही चीज़ें कर पाते और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो ये शायद नहीं था इसलिए नहीं कर पाई। तो अभी बस हम रेडी हो चुके हैं, चेकआउट कर रहे हैं और निकल रहे हैं, हमारी कैब ऊपर आके रुकी हुई है जिसमें हम चंडीगढ़ से मनाली आए हैं, हमने वो ऑलरेडी बुक किया है 3-4 डेज़ के लिए। तो बस अभी उसमें हम लोग पूरा लगेज डालेंगे और सीधा डायरेक्ट निकलेंगे सोलांग वैली के लिए। तो बाय बाय। इस जगह की एक दिक्कत है बस कि यहाँ पे चढ़ के जाने में, मतलब नीचे है बहुत ज़्यादा ग्लंपिंग क्लब, तो ऊपर जाने में और नीचे उतरने में काफ़ी टाइम लगता है और थकान भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देख सकते हो आप, ये कितने हाइट से ये प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, सिर्फ यही एक चीज़ की वजह से इस प्रॉपर्टी का माइनस पॉइंट दिखता है। आई थिंक इनको इसके ऊपर कुछ वर्क करना चाहिए कि ऊपर जाने और नीचे आने के लिए, मतलब रूम तक जाने और आने के लिए कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए यहाँ पर, लाइक लिफ्ट हो गया या कुछ तो भी बनाना चाहिए। एनीवेज चलते हैं यहाँ से, नाइस स्टे।
हम अभी निकले हैं सोलांग वैली क्रॉस करके, जा रहे हैं सिसु की तरफ। एज अनएक्सपेक्टेड बारिश हो रही है और अभी हम रास्ते में ही है रोहतांग पास बोल रहे अटल टनल ऑलमोस्ट यहाँ से 8-10 किलोमीटर के अंदर ही है और बारिश काफ़ी तेज हो गई, तो मैंने सोचा कि रास्ते में, क्योंकि वहाँ जाते जाते भीड़ बहुत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्राउड लग रहा है, बहुत गाड़ी जा रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है चाय की टपरी में चाय के लिए, कि थोड़ा शायद चाय पीते तक बारिश कम हो जाए। हो भी सकता है क्योंकि वैसे ही हो रहा है, इस 2-3 दिनों में वेदर बहुत ही चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश, तो ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। अभी टाइम है 12:30, तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 बजे तक तो पहुंच जाएंगे, और पहले यही है कि जाकर देखते हैं टनल के उस पार का क्या नज़ारा है, क्या है, क्योंकि जिस तरीके से लोग रास्ते में दिखे हैं वो एकदम फुल वो बर्फ़ में खेलने वाला जो सब रहता है ड्रेस वैसा पहन के जा रहे हैं, बट पता नहीं, हम मैंने तो नॉर्मल से स्वेटर डाला है। अभी वहाँ जाके पता चलता है कि कुछ है ऐसा, कुछ बर्फ़ में खेलने लायक जैसा या सिर्फ बर्फ़ ऊपर ऊपर है, तो ये पता तो हमें वहाँ जाके ही लगेगा। क्रॉस करके बाहर आई हूँ और हम जाने वाले हैं लेक के साइड में सिसु की तरफ। तो ये जो यादें हैं थोड़ी मुझे ताज़ी हो गई, मुझे लेक की याद दिला दी गई, मैं जब लेह से रिटर्न आ रही थी मनाली के लिए, तो ऐसा कुछ है, बहुत अच्छा लेक। अभी बर्फ़ पिघलना चालू ही है तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ मिल सकती है, उतना भी नहीं बट थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ठंडी है, उतनी भी नहीं है बट इतनी है कि बेरेबल है कि मैं बिना कान टोपा के बाहर निकल गई कार से, और अभी जा रहे हैं आगे सुशु के। Thank you.
सू में अभी हम कुछ तो है नहीं यहाँ पे करने के लिए और अभी भूख भी खैर इतनी लगी नहीं है, तो थोड़ा बहुत कुछ खाने का गाड़ी में लेके हम डायरेक्ट अभी जाएंगे मनाली। और क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि हम जब मनाली से निकले तो ऐसा कहीं भी सोलांग वैली में भी कुछ अभी ऐसा है नहीं, एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है क्योंकि बर्फ भी नहीं है, सब सूखा है, तो उतना सीनिक व्यू नहीं है। मतलब व्यू है, सीनिक व्यू, लेकिन जो एक्साइटमेंट रहता है ना जब बर्फ गिरती है फरवरी मार्च तक, वो वाला मज़ा नहीं है। और उसके बाद हमने ये टनल क्रॉस किया, तो इधर आने के बाद तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, बट वही है कि आपको अगर राइड करना है तो आप आ सकते हैं, बट यहाँ पे अभी कुछ एक्टिविटी वगैरह करने में कुछ मज़ा नहीं है। करने वाले लोग कर रहे हैं बट मैंने तो नहीं किया है अभी तक यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी। चिकेरी वाला, लेमन चाट वाला है। हम अभी खड़े हैं अटल टनल के बाहर यहाँ पे, क्योंकि अंदर कुछ काम चालू है तो अभी रोका गया है, तो बारिश में लुक उठा रहे हैं कॉफी का और भेल का। फिर दोस्तों ऐसा कुछ हुआ कि सब जगह देखने के बाद सोलांग वैली, अटल टनल और सिसु जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि अभी तो खैर सीज़न नहीं है कोई भी एक्टिविटी का, तो हम वापस आ गए मनाली की तरफ और ये कैफ़े 1947 में लंच किया और ये डिसाइड हुआ कि अब हम मनाली में नहीं, अब डायरेक्ट चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे और सेम इवनिंग को चंडीगढ़ के लिए निकल गए। तो ये जो मनाली वाला ब्लॉग था मेरा 2 डेज़ का था सिर्फ, मैंने यहाँ पे सिर्फ हमता वैली एक्सप्लोर किया और सोलांग वैली इस साइड में अभी कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए रहता नहीं है। और आपको अगर कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप रिवर साइड में आके कैफ़े वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ होता है मनाली मई में अगर आप आते हैं तो। कैफ़े में हमने थोड़ा सा लंच किया, थोड़ा नहीं ठीक ठाक, पिज्ज़ा एंड पास्ता ऑर्डर किया था, ठीक था, इतना भी वो नहीं था, बट उसका जो हाइप था कि नहीं बहुत ही अच्छा है लोगों को शायद पसंद आया होगा, बट ऐसा खाना है जो आपको कहीं पे भी इजीली मिल सकता है, कुछ यूनिक नहीं था और ना ही यूनिक टेस्ट था, ठीक था। तो अभी ऐसा है कि वहाँ से निकले और जैसा मैंने बताया था कि आज का दिन बिल्कुल भी डिसाइड नहीं है कि हम या मनाली में रुकेंगे या क्या करेंगे, तो अभी ऐसा है कि मनाली से निकल रहे हैं, ये फाइनल डिसीजन लिया है और अभी हो रहा है 4:15 और जस्ट मनाली से निकलेंगे, अभी जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। तो यहीं पे एंड करती हूँ मैं मेरा ब्लॉग, क्योंकि ये डिसाइड हो गया है कि अभी चंडीगढ़ वापस जाना है। मॉर्निंग से ये सोच के निकले थे कि मनाली में स्टे करेंगे या नहीं करेंगे, रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, क्योंकि काफ़ी डाइसी था कि ये दिन भी मनाली में रुकें या घूम फिर के सोलांग वैली सारा अटल टनल देख के डायरेक्ट निकल जाए चंडीगढ़ के लिए। तो इतना सोचने के बाद ये फाइनल कर ही लिया, चलो निकल जाए एक नाइट स्टे करके, क्यों खामखा होटल का और पैसा बढ़ाया जाए। तो बस यहीं पर ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वापस पुणे, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। अगर प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो, कमेंट करो, लाइक करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए अलविदा।